अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ तलत शर्जिया और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीएमडीसी ने जो एमडी कैट 2023 के लिए जो पोर्टल ओपन किया है उसके इंटरफेस को डिस्कस करेंगे, बच्चों के जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको भी डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि जी हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन एंटर करना पड़ती है और उसका सारा प्रोसीजर क्या है। और अगर हम मैं आपको बताता चलूँ कि अपने अगर अपनी एमडी कैट 2023 की रजिस्ट्रेशन करवानी है तो उसके लिए जो वेबसाइट है दैट इज़ pmdcportal.com pmdcportal.com। ये जब आप लोग एंटर करेंगे तो आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जो मेरी स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं। अब इसमें एक चीज़ का ख्याल आप लोगों ने ये रखना है कि प्रेफरेबली आप लोग कोई कंप्यूटर या कोई लैपटॉप यूज़ करें, क्योंकि अक्सर वेबसाइट्स जो रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड होती हैं वो फ़ोन सपोर्ट नहीं कर पाता और फ़ोन में जो है उसको फिल करना वो बड़ा एक हैसल होती है और बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। तो काइंडली आपने कोशिश करनी है कि यू मेक यूज़ ऑफ़ अ लैपटॉप और अ कंप्यूटर, क्योंकि उस पर वेबसाइट भी सपोर्टेड होगी और उस पर वो वैसे भी चूँकि सिस्टम पावरफुल होता है तो चीज़ों को लोड करने में और सारा कुछ करने में, प्रोसेस करने में वो शायद इससे फास्ट हो। तो ये आपके सामने आ जाता है एक रजिस्टर्ड यूज़र और एक न्यू यूज़र। रजिस्टर्ड यूज़र के नीचे लॉगिन लिखा हुआ है, न्यू यूज़र के नीचे साइनअप लिखा हुआ है। बहुत से बच्चों का ये सवाल था कि भाई जो बच्चे जिन्होंने लास्ट ईयर एमडी कैट दिया था क्या उन्होंने रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक करना है, तो उनको बताता चलूँ कि उन्होंने रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक नहीं करना। आप चाहे फ्रेशर हैं, आप चाहे रिपीटर हैं, आप इस साल एमडी कैट पहली दफ़ा दे रहे हैं या दूसरी दफ़ा दे रहे हैं, तीसरी दफ़ा दे रहे हैं, आपको पिछले साल की अपनी डिटेल्स याद हैं नहीं याद, जो भी है आपने रजिस्टर्ड यूज़र पे क्लिक नहीं करना, आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है और आपने जो अपना फॉर्म है वो नए जो है लाइक उसको नया फिल करना है, नई रजिस्ट्रेशन करवानी है, आपकी पिछले साल की जो इन्फॉर्मेशन होगी वो वैलिड नहीं होगी। तो एक चीज़ तो आपको मैंने ये बता दी। दूसरा फिर यहाँ पे हमारे पास नीचे कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, एक दफ़ा इनको भी हम गो थ्रू कर लेते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कैन आई यूज़ द सेम एमडी कैट क्रेडेंशियल्स फ्रॉम लास्ट ईयर फॉर दिस ईयर एमडी कैट रजिस्ट्रेशन। ये वही बात जो मैंने आपको बताई है कि नो, यू हैव टू क्रिएट अ न्यू अकाउंट फॉर एमडी कैट पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन। आपके पिछले साल की जो रजिस्ट्रेशन वगैरह है वो आप लोग यूज़ नहीं कर सकते, आपको नए सिरे से अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। वट इज़ अ पी ओ आर कार्ड, ये बताने से पहले आपको बताता चलूँ कि जब आप अपना साइनअप कर रहे होते हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे होते हैं, तो आपसे कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपके पास ऑप्शन होती है कि आप उन पांच डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट चूज़ कर सकते हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में CNIC आता है आपका, यानी ID कार्ड, आपको जुवेनाइल या स्मार्ट कार्ड आता है जो कि अंडर 18 ईयर्स वाले बच्चों का नादरा से बनता है। इसके अलावा आपका बी फॉर्म जो बे फॉर्म होता है वो आ जाता है, और इसके अलावा जो है दो मज़ीद चीज़ें, पासपोर्ट और POR। POR कार्ड होता है अफ़गान रिफ्यूजीज़ के लिए, तब जो कि प्रूफ होता है कि जी वो पाकिस्तान में जो है लीगली रह सकते हैं, जबकि आपका जो पासपोर्ट होता है वो प्रेफरेबली उन बच्चों के लिए होता है जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं, फॉरेन नेशनल्स होते हैं और वो एमडी कैट के लिए अप्लाई करना चाह रहे होते हैं। हाउएवर इसके बाद अगला आ जाता है कि अगर आपने गलत ईमेल एड्रेस ऐड कर दिया है तो क्या किया जाए, तो उसमें आपके पास चेंज ईमेल की ऑप्शन होती है। यहाँ पे एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब आप अपनी इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हैं, अपना नाम, अपनी ईमेल, पासवर्ड, वो सारा कुछ, एक तो आप कहीं पे उसको नोट भी कर लें और दूसरा ये कि प्लीज़ उसको क्रॉस चेक वेरीफाई करें, क्या आपने अपना आईडी कार्ड नंबर ठीक डाला है, क्या आपने अपना जो नेम है उसकी स्पेलिंग ठीक है, क्या आपने सही खाने में सही चीज़ को लिखा है, आपने फ़ोन नंबर सही दिया है, आपने ईमेल सही दी है, सब चीज़ों को अच्छे से वेरीफाई करके आपने जो है अपना फॉर्म सबमिट करवाना है। क्योंकि अगर आपकी कोई चीज़ गलत हो जाती है तो वो ऑल दो बाद में चेंज तो हो सकती है लेकिन वो प्रोसेस जो है बड़ा एक डिफ़िकल्ट हो जाता है। हाउ, और इसमें एक और भी चीज़ बताता चलूँ कि आप लोग अपने नाम और ईमेल एड्रेस को बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इस चीज़ का आपने बहुत ख्याल करना है। फिर आपको PMDC को मेल करनी पड़ेगी, PMDC रिस्पॉन्ड करती है नहीं करती वो एक अलग कहानी है, तो इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है। अगर आपको वेरिफिकेशन कोड अपनी ईमेल पे नहीं आ रहा तो एक तो आपने चेक करना है कि क्या आपने ईमेल सही एंटर की है, और अगर सही एंटर की है तो आपने रीसेंट कोड वाले ऑप्शन को क्लिक करना है। आई हैव एंटर्ड इनकरेक्ट मोबाइल नंबर, वही आपके पास आ गया। अगर मोबाइल नंबर आपने गलत एंटर कर दिया तो आप चेंज मोबाइल नंबर पर क्लिक कर सकते हैं। बी फॉर्म नंबर क्या होता है, जो आपका बी फॉर्म होता है उसके ऊपर जहाँ पे आपका नाम लिखा होता है उसके नीचे ब्रैकेट के अंदर एक नंबर लिखा होता है,
ये वही नंबर होता है कि जो 18 साल की उम्र के बाद आपके शनाख्ती कार्ड का नंबर भी होता है। तो ये आपने जो है काइंडली देख लेना है कि इट्स ए नंबर जो वो बच्चे जो अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज होते हैं ये उनके लिए मेनली होता है बी फॉर्म जो है। इसके बाद आ जाता है कि अगर आपके पास खुद अपना शनाख्ती कार्ड नहीं है तो प्लीज़ आपने अपने पेरेंट्स अपने सिबलिंग्स अपने गार्डियंस के आईडी कार्ड नंबर को नहीं एंटर करना, क्योंकि आपके जो आईडी कार्ड है आपका जो नाम है ये सब कुछ नादरा के रिकॉर्ड से वेरीफाई किया जाता है। अगर कोई चीज़ आपने गलत एंटर कर दी है तो वो ऑटोमेटिकली नल एंड वॉइड हो जाएगी, आपकी जो रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है कि जब आपने अपना देखें इसमें ना दो तीन स्टेप्स होते हैं जब आपने अपना ये इन्फॉर्मेशन आप एंटर करते हैं। आप जो ईमेल आईडी एंटर करते हैं उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आता है जो कि आप एंटर करते हैं तो वेरीफाई होता है कि ये ईमेल आईडी वाकई आपकी है। उसके बाद आप अपना फ़ोन नंबर एंटर करते हैं उसके ऊपर एक वेरिफिकेशन कोड आता है वो आप एंटर करते हैं तो आईडी होता है कि ये वाकई आपकी ईमेल आईडी है। इसके अलावा जब आप अपनी नादरा की डिटेल्स वगैरह डालते हैं तो आपका जो पोर्टल है वो तकरीबन 1 से 2 दिन लेता है ये वेरीफाई करने में नादरा के रिकॉर्ड से कि क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो लीगल है, वो करेक्ट है, वो सही है, वो कहीं गलत तो नहीं है, या आपने कोई बच्चा जो है वो कोई गलत इन्फॉर्मेशन एंटर तो नहीं कर रहा। तो ये सब कुछ देखा जाता है। तो इसीलिए जो है अगर आपकी नादरा की वेरिफिकेशन फेल हो जाती है तो उसके जो है दो रीजंस हो सकते हैं। एक ये है कि आपने जो इन्फॉर्मेशन एंटर की है वो गलत है, आपका CNIC नंबर गलत है, या फिर आपने जो डेट ऑफ इशुएंस है वो गलत है, या फिर इसका ये होता है कि आपने जो आपका जो फॉर्म है वो आपने उसको एक दफ़ा दोबारा से फिल करना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ एनी ऑफ दीज टू इज़ इनकरेक्ट नादरा की वेरिफिकेशन फेल हो जाएगी। हाउएवर अगर आप करेक्ट इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं और स्टिल एरर आ रहा है तो आप फिर दोबारा से ट्राई करें। चूँकि PMDC और आज से पहले जितने भी रजिस्ट्रेशन पोर्टल्स खोले उनका सर्वर बहुत स्लो होता है तो उसमें मल्टीपल कंप्लेंट्स बच्चों की होती है, अक्सर औकात कोई एरर आ रहा होगा 500 एरर या इस तरह का कोई एरर होगा, कभी कभार जो है वो बहुत स्लो लोड होगा, घूमता रहेगा जो उनका लोडिंग पेज होता है लेकिन वो स्क्रीन के ऊपर कुछ शो नहीं करेगा, कभी कभार जो है वो इस तरह की चीज़ें शो कर देता है, कोई ग्लिच आ जाता है। असल में फ़ीस जो है वो 6,000 है, कुछ बच्चों ने कंप्लेन की कि जी उनकी फ़ी जो है वहाँ पर 28,000 लिखी आ रही है। उसका यही तरीका होता है कि आप कुछ अर्सा वेट करें वो चीज़ ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगी। तो एक चीज़ ये हो गई। अगर आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो आपने जो फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक करके उसको जो है चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एक और चीज़ भी ये है कि आपने जो है अपनी एक प्रोफाइल अपनी एक आपने पिक्चर अपलोड करनी होती है पासपोर्ट साइज़ पिक्चर। अब उसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो ये होती है कि इट शुड हैव अ ब्लू नहीं बल्कि वाइट बैकग्राउंड। बच्चे जो हैं ब्लू बैकग्राउंड में अपलोड करके सबमिट करके कह देते हैं कि भाई हम अब क्या करें, आपको पहले ही मैं भी बता रहा हूँ, आप जहाँ पे सबमिट कर रहे होते हैं वहाँ पे भी लिखा होता है कि आपने वाइट बैकग्राउंड वाली तस्वीर को जो है सबमिट करवाना है। ये तस्वीर या तो आप किसी फ़ोटो स्टूडियो से जाके बनवा सकते हैं वाइट बैकग्राउंड के साथ, या फिर अगर आपके पास कोई ऑलरेडी अपनी फ़ोटो मौजूद है तो आप उसको ऑनलाइन बेशुमार ऐसी वेबसाइट्स हैं जो वो एडिट आउट कर देंगी और बैकग्राउंड में आपके जो है वाइट बैकग्राउंड डाल देंगी ताकि आपकी फ़ोटो जो है वो यूज़ हो सके। तो यहाँ पे आ गया कि आप ब्लू बैकग्राउंड वाली तस्वीर को यूज़ नहीं कर सकते। पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे जो हैं पाकिस्तान या इंटरनेशनल सेंटर दोनों में अपना एग्ज़ाम जो है दे सकते हैं। माई डिज़ायर्ड सिटी इज़ नॉट अवेलेबल इन द प्रेफर्ड एग्जाम सिटी, ये नाउ यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, नॉट होगा ये। तो इसका ये कि अगर आपकी डिज़ायर्ड सिटी, देखें आपने जब अपना फॉर्म फिल करना है आपसे दो जो है वो चीज़ें मांगते हैं, एक होता है कि आपकी प्रेफर्ड सिटी ऑफ एग्ज़ाम और दूसरा होता है अल्टरनेटिव सिटी। प्रेफर्ड सिटी वो होगी कि जो आप एंटर करोगे जो आपका अपना शहर है या जो आपके शहर के करीब तरीन जो शहर है आप उसको सिलेक्ट करोगे कि आपका जो है सेंटर वहाँ पर बने। लेकिन अगर वहाँ पे जो है कैपेसिटी फुल हो जाती है, बच्चे सारे जो है वो सीट्स ऑक्यूपाई कर लेते हैं और कोई सीट नहीं बचती तो फिर उसके लिए ये ऑप्शन होती है अल्टरनेटिव सिटी वाली कि अगर आपका आपकी अपनी प्रेफर्ड सिटी में नहीं हो सका तो आपको अल्टरनेटिव सिटी में एडजस्ट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये उसके बारे में, कैन आई सेव माय रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड फिल इट लेटर, तो वो यही है कि आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है उसको बाद में भी फिल कर सकते हैं, सबमिट कराने से पहले आप उसको सेव एज ड्राफ्ट कर लें और जब आपकी इन्फॉर्मेशन आपने क्रॉस चेक कर ली, वेरीफाई कर ली, प्रॉपर तरह से फिल कर ली सारी इन्फॉर्मेशन, तो आप जो है उसको सबमिट करा सकते हैं। अगर सेकेंड ईयर का रिजल्ट आपका नहीं आया हुआ तो आप उसके अलावा भी अपना जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। फ़ी पे करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है ऑनलाइन वीज़ा या डेबिट मास्टर कार्ड के थ्रू, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो होते हैं उनके थ्रू आप सबमिट करवा सकते हैं, और दूसरा आपका होता है
बैंक चलान। बैंक चलान का तरीका ये होता है कि बैंक चलान आपको जो है वेबसाइट जनरेट कर देती है, आपने उसको फोटो प्रिंट करवाना होता है, प्रिंट करवाने के बाद आपने बैंक विजिट करना है, आपने 6,000 रुपीज़ उनको पे करने होते हैं और वो आपकी जो फ़ी है उसको कलेक्ट कर लेंगे और उसको स्टैंप कर देंगे। ये जो स्टैंप शुदा आपके पास बैंक चलान वो आपको वापस करते हैं, ये आपने अपने पास संभाल के रखना होता है, इसको कहीं पर अपलोड वगैरह नहीं करना होता। ये प्रोसेस जो है ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिकली बैंक जो है वेरीफाई करता है आपकी डिटेल्स को, आपकी पेमेंट को, और करीबन 24 से 48 घंटे के दरमियान में आपका जो फ़ी का जो स्टेटस होगा आपके पोर्टल के ऊपर वो अपडेट हो जाएगा। तो ये कुछ तरीके यहाँ पे लिखे हुए हैं, वही बैंक चलान, क्रेडिट डेबिट कार्ड लिखा हुआ है, एक्सेप्टेड वीज़ा और मास्टर कार्ड आपके एक्सेप्टेबल हैं, स्टैम्प्ड कॉपी को कहीं अटैच नहीं करना था जैसे कि मैंने बताया। अगर पेंडिंग लिखा आ रहा है तो एक तो उसका तरीका ये होता है कि आप थोड़ा सा वेट कर लें, दूसरा ये होता है कि आप जो है बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करके पता कर लें, या आप बैंक दोबारा से विजिट करें और उनसे कहें कि मैंने अपने ड्यूज सबमिट करवाए थे लेकिन अभी तक मेरा स्टेटस अपडेट नहीं हो, तो मुझे काइंडली बताएं कि इसमें क्या इशू आ रहा है। एक दफ़ा जब आपने अपनी रजिस्ट्रेशन सारी वगैरह कंप्लीट कर ली, फ़ी को आपने पे कर दिया, क्या उसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकते हैं? तो वही बात है कि आप अपने नाम और अपने आइडेंटिफिकेशन नंबर के अलावा और पेमेंट वगैरह के अलावा आप हर चीज़ को एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपकी डिज़ायर्ड सिटी फॉर एग्ज़ाम जो है वो भी आप चेंज कर सकते हैं अपनी फ़ी को सबमिट करवाने के बाद, जैसे कि सेकंड लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। और लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है कि फ़ी स्टेटस कितनी देर में अपडेट होता है, यहाँ पर 24 आवर्स लिखे हैं लेकिन ऑलमोस्ट 24 to 48 आवर्स उसमें लग जाते हैं। अब जहाँ तक बात है, एक आपको मैं इसमें जो इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँगा, जब PMC यानी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन एग्जिस्ट करता था तो उसका जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल था वो भी एग्जैक्टली सिमिलर था, सेम फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, सेम ये रजिस्टर्ड यूज़र और न्यू यूज़र वाला जो टैब बना हुआ है और सेम यही प्रोसीजर हुआ करता था। तो इसमें अब मैं जो हूँ आपको शो करता हूँ कि जब आपने न्यू यूज़र पे क्लिक करना है तो उसमें क्या चीज़ आपके सामने आएगी और आगे आपने उसको किस तरह से फ़िल करना है। अगर एट एनी पॉइंट ये फॉर्म जो है मेरा फ़िल नहीं हो पाता या कोई इसमें एरर आ रहा है, तो फॉर द सेक ऑफ गाइडिंग यू कि आपने प्रोसीजर क्या है और आपने उस सारे को फिल कैसे करना है, सारा कुछ किस तरह लेके चलना है, मैं आपको जो मैंने आज से 1 या 2 साल पहले जो रजिस्ट्रेशन की प्रोसीजर की जो वीडियो बनाई थी उसका पोर्शन जो है मैं इस वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा, ताकि आपको कम से कम ये आइडिया हो जाए कि आपने जो अपना फॉर्म फिल कैसे करना है। प्रोसीजर इज़ एग्जैक्टली द सेम, उतनी ही फ़ी चार्ज की जा रही है, पोर्टल की सेटिंग वैसी ही है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वैसे, सारा कुछ वैसे ही है। तो जहाँ तक ये पोर्टल मैं अभी फिल कर सकूँगा मैं कर दूँगा, और जहाँ पर कोई एरर आएगा तो मैं पिछली वीडियो का जो पार्ट होगा वो ऐड कर दूँगा, ताकि कम से कम आपको जो है प्रोसीजर का आइडिया हो जाए। तो अब जब तक ये लोड नहीं होता मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, वंस द नेक्स्ट स्क्रीन विल पॉप अप तो मैं फिर आपको वीडियो को रिज्यूम कर दूंगा। अच्छा, तो वो जब आपकी स्क्रीन लोड हो जाएगी तो उसके बाद जो है आपके पास ये जो है पेज खुलेगा, इसमें जो जो डिटेल्स उन्होंने मांगी हुई है मैं पहले आपको एक दफ़ा समझा देता हूँ और उसके बाद जो है फिर मैं फिल करके जो एंटर वाली ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूंगा। फुल नेम इन इंग्लिश, वो नाम जो आपके ID कार्ड पे, बी फॉर्म के ऊपर या आपके जो भी आपका वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट है नादरा में जो आपने अपना नाम सबमिट करवाया हुआ है, वो आपने पूरा जो है यहाँ पे उसको लिखना है। वो बच्चे जिनके नाम में मोहम्मद आता है वो M. लिखने के बजाय प्रॉपर मोहम्मद लिखेंगे, मोहम्मद की स्पेलिंग जो है, उम्र की स्पेलिंग जो है O से लिखते हैं, U से लिखते हैं, जो भी आपने अल्टीमेटली सबमिट कराया हुआ है ना वही स्पेलिंग जो है आपने यहाँ पे लिखनी है। इसी तरह फिर फुल नेम इन उर्दू आपने लिखना है। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये उर्दू वाला कीबोर्ड भी खुल जाता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं, जिनके फ़ोन में दूसरी वाली ऑप्शन होती है कीबोर्ड वाली वो उसको यूज़ कर सकते हैं। आपसे आपकी ईमेल आईडी मांगी गई है, ये वो ईमेल आईडी होनी चाहिए जो आपके यूज़ में है, आपकी अपनी ईमेल आईडी हो तो ज़्यादा बेहतर है। इसका पासवर्ड आपको पता होना चाहिए क्योंकि इस पर वेरिफिकेशन मेल आती है। पासवर्ड को जो क्राइटेरिया यहाँ पे होता है वो होता है अल्फा न्यूमेरिक, यानी अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए और उसमें कोई नंबर भी होना चाहिए, और प्रेफरेबली ये होता है कि आपका जो है एक लेटर जो है वो कैपिटल होना चाहिए और बाकी लेटर्स आपके पासवर्ड के जो हैं वो स्मॉल हों, और उसमें कोई नंबर अगर हो तो ये आपका जो है प्रॉपर उसका क्राइटेरिया होता है कि आपका पासवर्ड क्या आपने सेट करना है। पासवर्ड सेट करने के बाद कंफर्म पासवर्ड, वही पासवर्ड जो आपने ऊपर एंटर किया आपने नीचे एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी प्रॉपर एंटर करनी है, जो डेट ऑफ बर्थ आपकी आपके उस पे वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट पे CNIC पे बी फॉर्म के ऊपर जो लिखी हुई है वही एंटर करनी है। नेशनैलिटी आपने अपनी एंटर करनी है, पाकिस्तान से आप हैं या किसी
दूसरी कंट्री से हैं। एक्टिव मोबाइल नंबर, अगेन वो मोबाइल नंबर जो कि एक्टिव होगा, जिस पे आपके मैसेजेस वगैरह कॉल्स वगैरह आ जा सकते हैं, आपने वो वाला एंटर करना है। और इसके ऊपर भी आपके पास जो है एक वेरिफिकेशन कोड आता है। और उसके बाद जो आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट टाइप में मैंने आपको बताया था कि पांच चीज़ें हैं, वो यहीं पे जो पांच चीज़ें हैं वो लिखी हुई हैं। आपने अपना जो आइडेंटिफिकेशन नंबर एंटर करना है, और अगर उससे रिलेटेड वो कोई और चीज़ मांगेंगे, जैसे जब आप CNIC अपना अगर डालते हैं तो आपको डेट ऑफ इशुएंस ऑफ CNIC भी मांगेगा, तो आपने वो एंटर करना, और अल्टीमेटली आपका जो है फॉर्म वो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना और उसको एंटर कर देना। ओके, सो मैंने अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करके जो है वो पोर्टल जो है वो लोड हो रहा है। और इसके बाद जो है यूजुअली यहाँ पे आके अक्सर बच्चों को जो है कोई एरर देखने को मिल जाता है, कोई इशू फेस करना पड़ता है। तो अगर ये इशू मुझे भी आया तो मैं आपसे, जैसे मैंने कहा था कि पिछले जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो प्रोसीजर था वो शेयर कर दूंगा, और अगर वो नहीं आता तो फिर मैं आपको जो एंड तक ये वाला जो प्रोसीजर है ये गाइड कर दूंगा। वंस यू डन ऑल दिस, जब आप ये कंप्लीट कर लेंगे प्रोसेस, फिर आपको जो है PMC की तरफ से एक मेल आएगी। दिस इज द मेल दैट यू विल रिसीव फ्रॉम PMC, और ये आपको जो आगे PMC की वेरिफिकेशन मेल आ जाएगी। ठीक है जी, उसने कह दिया कि जी आपने साइन अप कर लिया है, अब आप बस दो स्टेप्स अवे हैं फ्रॉम लॉगिंग इन टू योर अकाउंट। सबसे पहले आपने उसको वेरीफाई करना है, और अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाएंगे तो फिर आपको जो है PMC दोबारा से एक ऑप्शन देगा कि अगर आपको वेरीफिकेशन कोड नहीं चल रहा तो आप उसको दोबारा से वेरीफिकेशन कोड सेंड कर सकते हैं। अभी जो PMC की जो वेबसाइट है इट इज़ इन बीटा टेस्टिंग, शायद अभी ये प्रॉपरली वर्क नहीं करेगी, बट विद इन अ फ्यू आवर्स या विद इन अ फ्यू मिनट्स तो वो आपके पास काम करने लग जाएगी, और फिर इंशाल्लाह आप लोग जो है अपनी रजिस्ट्रेशन वाला जो अमल है उसको कंप्लीट कर लेंगे, एंड देन आपका जो भी बाकी का जो प्रोसेस होगा, फी पेमेंट है जो भी है वो कंटिन्यू होगा। तो ये विल वेट फॉर द वेबसाइट टू ओपन, और एज सून एज ये ओपन करती जाएगी फिर वो वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस होगा, और उसके बाद जो आपका अकाउंट बन जाएगा देन यूल हैव टू लॉग इन इन टू योर अकाउंट। फिर आपने वो वाली ऑप्शन चूज़ करनी है जो रजिस्टर्ड यूज़र वाली थी, क्योंकि आपने साइन अप कर लिया है, और फिर उसके बाद जो आपने अपना बाकी का जो सिस्टम है उसको लेके चलना है। जी आपका आ गया जी, योर ईमेल इज सक्सेसफुली वेरीफाइड। फिर हमने जो है लॉग इन वाली जो ऑप्शन है उसमें चले जाना है, और जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनका सर्वर जो है दैट इज़ प्रिटी स्लो, क्योंकि अभी जो है रजिस्ट्रेशन ओपन हुई हैं एंड everyone is अप्लाइंग फॉर इट, और इस वजह से जो है काफ़ी सिस्टम बैठ गया है। लेट्स होप कि जल्दी जल्दी हो जाए ताकि हम आपको जितना जल्दी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है प्रोवाइड कर सकते हैं हम कर दें। खैर 5 से 10 मिनट पहले तक यहाँ पे जो है एरर आ रहा था, लेकिन अब आप लोग देख सकते हैं कि जो ईमेल है वो वेरीफाई हो चुकी है, और उसके बाद जो है वो हम लॉगिन करेंगे, और लॉगिन करने के बाद जो है आपको अपनी थोड़ी बहुत बाकी इन्फॉर्मेशन डालनी होगी, एंड देन आपका जो है वो जो प्रोसेस होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। सो वील जस्ट वेट के द प्रोसेस इज प्रीटी स्लो चलें। अच्छा जी, जब ये आप एक दफ़ा जब आपका वो कंप्लीट हो जाएगा प्रोसेस, उसके बाद आपने जब लॉगिन करेंगे तो फिर ये वाली स्क्रीन खुलेगी, और इसमें आप देख सकते हैं कि आपका जो फ़ोन नंबर होगा उस पर 6 डिजिट का कोड सेंड किया जाएगा। आपने वो वेरिफिकेशन कोड एंटर करना है, यहाँ से आप एंटर करेंगे तो फिर फाइनली आप जो है पोर्टल के अंदर एंटर कर जाएंगे, और बाकी की जो इन्फॉर्मेशन वगैरह होगी वो आपने एंटर करनी है इसमें ना।